वर्क प्लेस अब मतलब समझे। अच्छा वर्क प्लेस, वर्क प्लेस को समझने के लिए एक और टर्म है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी, ऑर्गेनाइजेशन। हम सब किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं। अगर हम प्रोफेशनली कहीं पे काम कर रहे हैं तो नेचुरली इट मींस कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी ऐसा इदारा जो फेडरल, प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या उनके लॉज के तहत बनाया गया ये ऑर्गेनाइजेशन है। वर्क प्लेस किसी चार दीवारी की हद तक महदूद नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन को शायद हम महदूद कर दें बट वर्क प्लेस महदूद नहीं है। हर वो जगह जहाँ पे आप अपने काम के सिलसिले में जा रहे हैं वो वर्क प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल हसन यहाँ पर आए हुए हैं तो हसन का यहाँ आना, हसन एक काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, तो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम ये हसन की वर्क प्लेस है। हमारे फूड पैंडा राइटर्स, हसन आपको क्या लगता है उनकी वर्क प्लेस क्या होगी? खाना ले रहे हैं हमें, जहाँ पर वो खाना दे रहे हैं वो उनकी वर्क प्लेस है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फूड पैंडा। फूड पैंडा तो ऑर्गेनाइजेशन एक महदूद नाम है बट वर्क प्लेस है हमारे। अब 2022 के अमेंडमेंट के बाद हाईवे, स्टूडियोज, जिम्स, कॉन्सर्ट हॉल्स, परफॉर्मेंस फैसिलिटीज, इवन हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी वर्क प्लेस में आते हैं। ऑफिसेस, ऑफिसेस, द बेस्ट पार्ट इज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी वर्क प्लेस के अंडर इंक्लूड कर दिया गया है। तो वो बच्चे जो अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में हरासमेंट फील करते हैं वो भी वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट के तहत